और राज्य सरकार को जरूरत पड़े तो सीबीआई से भी जांच करा के इसका भंडाफोड़ करना चाहिए। एक बहुत बड़ा रैकेट है, गैंग है, क्योंकि झारखंड के संस्कृति में लोग क्वेश्चन लीक क्वेश्चन आउट के बारे में बेचारा लोग नहीं जानते हैं। तब तो बीजेपी वाले लोग चिल्ला रहे थे बीजेपी की बात को नहीं, बीजेपी को उनको केवल बोलना है, मीडिया में बने रहना है, राज के बारे उसको कुछ चिंता नहीं है। यहाँ के राज के लोगों को क्वेश्चन लीक आउट का बेचारा मतलब भी लोग नहीं जानता, आदिवासी मूलवासी, ये बाहर का लोग ही आ करके इस तरह से नटवरलाल की भूमिका जो निभा रहा है, इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच, और कड़ी से कड़ी कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए लोग। जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर राज्य की सियासत तेज हो गई है। इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि एक बार फिर से मामला जो है प्रकाश में आया है, पेपर लीक के साथ साथ अनसील्ड पेपर का मामला जो है वो सामने आ रहा है। पहले बंधु तिर्की, इसको किस रूप में ले रहे हैं? मामला बहुत गंभीर है और राज्य सरकार को जरूरत पड़े तो सीबीआई से भी जांच करा के इसका भंडाफोड़ करना चाहिए। एक बहुत बड़ा रैकेट है, गैंग है, क्योंकि झारखंड के संस्कृति में लोग क्वेश्चन लीक क्वेश्चन आउट के बारे में बेचारा लोग नहीं जानते हैं, और यहाँ दूसरे दूसरे प्रदेश के लोग आके जिस तरह से जो संस्कृति को जहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, ये आने वाले दिन में बहुत खतरनाक है। इस राज्य के लाखों लाख युवा बेरोजगार युवाओं के साथ में उनका जघन्य हत्या की तरह है, इसलिए इस सरकार से बहुत उम्मीद है। सरकार को जरूरत पड़े तो सीबीआई से भी जांच करा करके इसका भंडाफोड़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कौन लोग हैं वो पता चल जाएगा, जो ज्यादा चिल्लाने वाले लोग भी कहीं ना कहीं लोग से इन्वॉल्व है। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए इस पर जांच करनी चाहिए और वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। और अभी आपका जेएससी का एग्जाम हुआ था, उसका भी क्वेश्चन लीक हुआ था, उस पर जांच चल रही है, लेकिन वो कछुए की गति से नहीं चलेगी, इस जांच को भी उसको तेजी लाना चाहिए। उसमें बीजेपी का कहना है कि ईडी और सीबीआई जांच होनी चाहिए, लगातार बीजेपी मांग कर रही है। देखिए बिल्कुल, हमने तो कहा आपको कि जब इस तरह की बात है, पूरे लाखों लाख बेरोजगार छात्र छात्राओं नौजवानों का जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका हत्या की तरह है, ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को कोई भी कठोर कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए हिचकना नहीं चाहिए, जांच जाना चाहिए, ताकि इसमें जो आपका जो गैंग है, रैकेट है, ये सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गैंग आप किसको कह रहे दादा, क्या कोई बाहर से लोग आए हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? इस पर ये बोले ना मैंने पहले कि यहाँ के राज के लोगों को क्वेश्चन लीक आउट का बेचारा मतलब भी लोग नहीं जानता, आदिवासी मूलवासी, ये बाहर का लोग ही आ करके इस तरह से नटवरलाल की भूमिका जो निभा रहा है, इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच, और कड़ी से कड़ी कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए लोग। बीजेपी का आरोप है कि आप लोग भविष्य के साथ खेल रहे हैं, कोई नीति नहीं है कठोर, इससे पहले भी जो एसएससी सीजीएल का भी पेपर लीक हुआ था, आप लोग कोई नीति नहीं बना रहे। लीक के मामले में विधानसभा में जो कानून पास हुआ उसको भी राज्य सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए। तब तो बीजेपी वाले लोग चिल्ला रहे थे बीजेपी की बात को नहीं, बीजेपी को उनको केवल बोलना है, मीडिया में बने रहना है, राज के बारे उसको कुछ चिंता नहीं है, राज के बारे उनकी चिंता नहीं है, ये बीजेपी वाला को क्या करेंगे, उसके पास बस यही सब करेंगे। लेकिन जो वास्तव में लोगों को, जो यहाँ के छात्र छात्राओं को, उनका जीवन को बचाना है, तो राज्य सरकार को कड़ी से कड़ी स्टेप लेना चाहिए। सरकार में आप भी है क्या, मुख्यमंत्री को पत्र लिखिएगा आप इस संबंध में? मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा इसमें, हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय हमारे नेताओं को भी इसके बारे में लिखूंगा। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद थे, इनका कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक और जहां अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी ईडी और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो इनका कहना है कि तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी, सीबीआई जांच राज्य सरकार करवाएगी अगर आवश्यकता पड़ी तो। तो एक बड़ा बयान जो है कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दिया है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत, नमस्कार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर, आविष्कार डायग्नोस्टिक।
यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय थेला, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।